राजधानी रायपुर में नवरात्र के पहले दिन शहर को लाखों की बड़ी सौगात मिली है, जहां लगभग 2.5 साल बाद सिटी बसों का परिचालन नवरात्र के पहले दिन से शुरू हुआ। वहीं महापौर एजाज ढेबर ने हरी झंडी दिखाकर बसों का परिचालन शुरू किया। खुद महापौर ने पुराना बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक सवारी की। महापौर एजाज ढेबर ने साथ ही विधायक सहित बस के संचालक मनीष जैन भी शामिल रहे। पहले चरण में 65 सिटी बसों में से 30 को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। ये बसें सड़कों पर दौड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राजधानी रायपुर में आज लाखों जनता को बड़ी सौगात मिलने वाली, क्योंकि 2.5 साल बाद 30 सिटी बसें आज चालू हो गई। महापौर एजाज ढेबर बस में VIP सवारी लोग भी यहाँ जायजा लिया, किस प्रकार से आज चालू हो रहे लाखों जनता को जो है सौगात मिलने वाली है नवरात्रि का ही पहला दिन। देखिए, आज रायपुर के लिए राहत का दिन है। रायपुर के जो जेब का खर्चा जो इतना लोगों को वहन करना पड़ता था, ऑटो में ओला में बहुत पैसा देना पड़ता था, मात्र अब 30-40 रुपए में लोगों का सफर तय होने लगेगा। दूसरी बात यह, सुरक्षा का इसमें पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यदि ड्राइवर कंडक्टर उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, उसका पूरा बायोडाटा मंगाया गया है। आज मैं अपने परिवार को लेकर बस में इत्मीनान के साथ घूम सकता हूँ, मुझे किस बात का डर नहीं है, क्योंकि इसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तीसरी बात यह, 2.5 साल से जो बस बंद पड़ी थी, लोगों को सफर करना पड़ रहा था, वो अब सफर का दुख खत्म हो गया। नवरात्र के पहले दिन, क्योंकि आज का दिन शुभ है, माता देवी आज यहाँ पर बैठी है, आज दुर्गा मैया आज विराजमान है। अब पहले दिन हमने महिलाओं के लिए टोटल फ्री कर दी है। लगभग 2.5 सालों के बाद आज राजधानी रायपुर में सिटी बस का संचालन चालू हो गया और नवरात्र का पहला दिन है, जिसको लेकर महिलाओं के लिए जो है बसों की जो सुविधा वो लगातार जो है फ्री दी जाएगी। तो ये राजधानी वासियों के लिए बड़ी सौगात रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने दी है। MK न्यूज के लिए मोहम्मद अजहर के साथ नितिन नामदेव, रायपुर।